हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, लास्ट डे ऑफ अजमेर मेरा कैसा था, तो आई होप आपको वो व्लॉग अच्छा लगा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से जाके मेरा वो व्लॉग देख सकते हो। दैट्स अ वेरी प्रिटी एंड अमेजिंग होलसम ट्रैवल व्लॉग जो मुझे खुद भी अच्छा लगता है बहुत। एंड आज के व्लॉग है, दैट इज़ आफ्टर दैट डे, नेक्स्ट डे का व्लॉग क्या रहेगा आप देखते रहो, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, आई स्टार्टेड द डे विथ सम चाय एंड दिस रोटी इज मीठी रोटी, दे कॉल इट शीरमल। हाय गाइस, तो अभी आज टुडे इज 23rd, वी आर लीविंग। हम लोग अभी लंच कर लेंगे एंड उसके बाद विल लीव, बिकॉज ट्रेन है। एंड कल से मैंने व्लॉग नहीं किया है, सो बिकॉज ऐसा कुछ खास दिखाने को नहीं हुआ था, दरगाह गए थे बस थोड़ा बहुत। एंड सुबह आज लेट भी उठी हूँ। एंड एनीवे, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली। इट्स लंच टाइम, वी हैव गॉट मिक्स वेज, वी हैव गॉट दाल एंड राइस। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं वापस लंच करके एंड अभी मन कर रहा है कि सो जाऊं, बट सो नहीं सकते बिकॉज ट्रेन पकड़ना है हमें। फिर सारा सामान लाइक लगेज इज ऑल पैक्ड एंड एवरीथिंग। बस 5 मिनट लेट रही हूँ क्योंकि इसके बाद अभी ट्रेन अब से 1.5 घंटे में है, तो 1.5 घंटा रेस्ट नहीं होगा। उसके बाद तो ट्रेन में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक चेयर है, चेयर कार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोज लाइक आरामदायक चेयर कार। सो वी हैव बोर्डेड द ट्रेन एंड दिस इज अजमेर स्टेशन एंड वी आर इन द ट्रेन। ट्रेन छूटने में अभी टाइम है, वी आर अर्ली बिकॉज खाली खाली में लगेज रखना, ये रखना दिक्कत नहीं होता, आराम से आके बैठे रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। सो अनदर जर्नी शुरू। Thank you.
चालान सॉरी वी हैव गॉट आवर डिनर सो लेट मी ओपन ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड लेट मी शो यू व्हाट्स इनसाइड और आई विल जस्ट शो यू व्हेनेवर आई एम रेडी टू ईट बिकॉज इट्स टू वार्म बट आई थिंक आई कैन ईट यू नो बिकॉज एकदम उतरने से पहले खाना इज नॉट माई थिंग सो लेट्स ओपन इट अप एंड मैं दिखाती हूँ बाय द वे हियर इज सम सैनिटाइजर एज यूजुअल एंड हियर इज सम मिक्स्ड पिकल क्या है पंचवटी मिक्स पिकल एनी वे आई डोंट थिंक आई एम गोना हैव दिस बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग पिकल का फैन एंड हियर वी हैव सम दही एंड आई हैव अ वुडन स्पून ओवर हियर बाकी मैं देखती हूँ दिस इज़ प्रोबेबली रोटी बट लेट मी ओपन इट देन आई शो ओके सो हियर वी हैव जीरा राइस दिस इज़ प्रोबेबली लेट मी दिस इज़ प्रोबेबली मटर पनीर या देर आर मटर ओके सो हियर वी हैव सम दाल एंड दिस इज़ मेनली छोटू सा डब्बा द डब्बा इज़ सो क्यूट यू नो तो इसमें आई गेस है आलू मेथी और सम साग विद मेथी यही सम साग विद आलू एंड Here we have two parathas. It's like chapati jise patli but they are undercooked. Tel mein seka hua parathas. So this is our dinner for tonight. Let's enjoy. चेक्ड इन सो दिस इज द एंट्रेंस मैं पीछे से देखू पापा जी हट जाओ जी सो एनी वे दिस रूम हैज अ एंटायर ब्रिक वॉल डिजाइन आई थिंक इट लुक्स रियली अमेजिंग क्योंकि बेड के साइड में बाय द वे हियर वी हैव अ क्लोजेट इसके अंदर अभी हमने देखा कि कंबल वगैरह है वी हैव केप्ट आवर लगेज सम ऑफ आवर लगेज हियर वी हैव अ बिग बेड जो आज मेरा है बिकॉज इट्स अ फोर बेड का रूम सो इट्स ह्यूज वी हैव सम चाय वाला टेबल नीचे स्टोरेज आई गेस वी आई हैव केप्ट माई वुलन्स आउट देयर यहाँ पे मम्मी पापा का बेड है एंड वी हैव आर वॉशरूम ओवर हियर बट उससे पहले आई रियली लाइक दिस टच क्योंकि अगर किसी को लाइक जैसे अगर मैं एडिटिंग करती होती या फिर आई इफ एनी वर्क इज देयर तो टेबल काम आ जाता लेट्स गो हस्ती 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 So this is the bathroom. We have our mirror here. Hello. We have the shower and balti mug. Obviously, we are Indians. We have the toilet and it's quite huge, you know. So, yay! Because room ka space काफी अच्छा है and for three of us it's enough because हम लोग थोड़े खलार के रखना पसंद करते हैं. बाकी सामान भी आ चुका है. So I'll meet you after getting freshen up. I just forgot to show you the outer. मुझे लगा था कि this is the only entry, but no. Here we have the entire space
फॉर अस ओनली। बाय द वे मुझे लगता है यहाँ पे सोफा वगैरह बनेगा, बट आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे वी हैव द एंटायर स्पेस फॉर अस एंड वी हैव अ बालकनी। गॉड, दिस इज मम्मा छुप रही है। बाय द वे दैट्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड यहाँ पे उफ ओल्ड दिल्ली का फील लेते हुए सुबह मज़ा आएगा यहाँ पे। बाय द वे मेरा फ़ोन का बैटरी हो गया है 5%, सो बाय। हेलो, डू यू सी द लाइट्स? कैन यू सी मी? यू कैन सी मी लाइक इन एवेंजर। बाय द वे ये अच्छी खासी फॉल सीलिंग की हुई है एंड वो जो चेक आउट दिस ऐसी वाली लाइट है, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वट एवर इट इज, तो ये वाली लाइट हो रखी है एंड दिट्स अ वेरी डिम लाइट, नहीं इसको कुछ बोलते हैं, एनी वे पापा इज सेइंग डिम लाइट, जो भी हो। सो आई एम इन माई हाय, यही होना था, मेरे साथ यही होना चाहिए। एनी वे अभी सर पटक गया मेरा हेडबोर्ड पे, सो आई एम इन माई बेड एंड जस्ट वॉन्ट मैने गोइंग टू डू माई स्किन केयर और बट मेरे बाल बहुत लाइक नॉट माई हेयर्स, माई स्कैल्प इज टू डर्टी। आई थिंक आई टेक अ लाइक शैम्पू वाला शॉवर टुमारो, बिकॉज ये कुछ दिन बस ऐसे ही चल रहा है एंड आई हैवंट वॉश्ड माई हेयर इन लास्ट 1 week, सो इट हैज़ टू बी डर्टी। एंड द थिंग इज काफ़ी सारा बिल्डअप हो गया है स्कैल्प पे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं सोच रही थी क्योंकि परसों ऑलरेडी दोपहर तक घर पहुँच जाऊँगी, तो मैं सोच रही थी कि ना करूँ, बट फिर लगा कि नहीं यार मेरे को इरिटेशन सी हो रही है, कल हमें जाना है, कल शाम की ट्रेन है, बट कल दोपहर तक यहाँ से चेकआउट है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, तो टाइम है अपने पास, अच्छे से आराम से उठो। अभी बज रहे 12 रात के, बिकॉज आर ट्रेन अराइव्ड एट 11 और 10:45 वट एवर इट इज़, फ्रेशन अप होते होते अभी 12 बज गए हैं एंड उसके बाद स्किन केयर वगैरह करके फिर सोते सोते मेरा 1-2 बज जाएगा, बिकॉज मैं थोड़ा आई विल बिंज वॉच सम यूट्यूब और यहाँ पे इस होटल में नेट चलता है मेरा अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो वैसे अजमेर वाले जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत था एंड वहाँ पे वाईफाई भी नहीं था, यहाँ पे अगर दिक्कत हो भी देर इज़ नो चिंता बिकॉज यहाँ पे वाईफाई है एंड वी हैव गॉट अ स्मार्ट टीवी इन दिस रूम बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ अ अपग्रेड। वी हैव बुक्ड फॉर अ 3 बेडरूम, बट सेम होटल में हम लोग जब 3 दिन पहले यहाँ पे इसी होटल पे रुके थे, इट वॉज़ अ डिफरेंट रूम बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, वो मिल गया। बट इस बार हमने कह दिया था वी वॉन्ट अ बेटर रूम बिकॉज द चार्जेस आर लाइक इट्स अफोर्डेबल, बट स्टिल आई डोंट थिंक द रूम विच वी गॉट वर मने एनफ फॉर द अमाउंट दैट वी आर पेइंग। बट इस बार हमने बोला था कि वी वॉन्ट अ गुड रूम एंड तो इस बार सच्ची में गुड रूम दिया है, इट्स अ गुड रूम अकॉर्डिंग टू मी इन दैट बजट, इट्स अ वेरी गुड रूम। एंड मेरा बस चले तो मैं लाइक इस बैकग्राउंड में और मैं वीडियो शूट कर लूँ, ब्रिक वॉल जो हो रखा है इट्स लुकिंग वेरी नाइस। एनी वे सो वी हैव गॉट अ स्मार्ट टी वी ओवर हियर, तो उसका रिमोट वगैरह सब कुछ है एंड बट अभी एनर्जी नहीं है किसी का टी वी देखने का, इट्स अ वेरी नाइस स्पेस। आई वुड द होटल नेम इज़ होटल पिंक सिटी, यस होटल पिंक सिटी, इट्स जस्ट अपोजिट टू द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़गंज साइड वाला जो गेट है वहाँ से आप निकलोगे, रोड क्रॉस करोगे, सामने वाली गली लोगे, राइट टर्न करोगे, सीधा आके आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो पहले होटल में रिसेप्शन में फ़ोन कर दो, वहाँ से वो लोग बंदे भेज देते हैं कि आपको स्टेशन से लेके आए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैसिलिटी बिकॉज पास में है, तो दे प्रोवाइड दिस फैसिलिटी विदाउट एनी चार्ज, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप चाहो वो करा सकते हो या फिर अगर आप मैप देख के भी आ जाओगे ना, इट्स अ 2-minute वॉक। बस यही है कि अगर आपको बिजी रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है तो आई वुड प्रेफर कि आप होटल से बंदे बुला लो, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से बिजी रोड क्रॉस कर जाओ, दिस इज़ आई थिंक आई वुड रिकमेंड। मैं सारा चेकआउट किया था, ऑब्वियसली ये वीडियो आप जब देखोगे बहुत यहाँ से जाके भी काफ़ी टाइम हो चुका होगा बिकॉज मेरा व्लॉग हर वीक में 1 व्लॉग जाता है, बाकी दिन दूसरे वीडियोज़ जाते हैं, तो कितने पार्ट में होगा ये पूरा ट्रिप आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैं बस रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, तो बीच बीच में मैं डालती रहूँगी। एंड होटल के स्टाफ भी अच्छे हैं,
एक कौन है इस होटल का, लाइक सब कुछ अच्छा है, लाइक आप पानी मंगाओ पानी मिलेगा आपको 24/7, गर्म पानी भी बाथरूम में मिल रहा है, ऑल बाथरूम्स आर आई गेस गुड, क्योंकि उस रूम वॉज नॉट दैट बिग पिछले बार जब हम रहे थे, बट इस उसका बाथरूम भी बहुत बड़ा था, इट्स जस्ट दैट उसका वेंटिलेशन वॉज ऑलवेज ओपन, ऐसा नहीं कि हमारे कंट्रोल में, तो वो सर्दियों में थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी ऐसे में ठीक है, बट इस होटल का एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ इसमें लिफ्ट नहीं है, बट आपको अगर सीढ़ी चढ़ने में खुद दिक्कत नहीं है तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले रूम अच्छे हैं, फर्स्ट फ्लोर वाले रूम वो लोग खुद ही कहते हैं थोड़ा छोटा है, तो अगर आप खुद अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हो आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट अगर फैमिली लेके आ रहे हो तो दे प्रेफर कि सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले रूम ले लो, हर फ्लोर के अलग वाईफाई है, आपको वो लोग पासवर्ड दे देंगे एंड आपका इस इवन आप कोई भी फ्लोर में रहो कोई दिक्कत नहीं है, लगेज का चिंता मत करो, वो जो बेल बॉय है वो उठा देगा लगेज, अगर लिफ्ट वाला चिंता है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अगर चलने में दिक्कत नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो इट्स अ गुड होटल इन अफोर्डेबल प्राइस, प्राइस सीजन वाइज चेंज होता है, तो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइस, बट आप होटल से बात कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दूंगी, एंड बहुत देर इस ब्लू शक्ल में देख लिया, सो आई विल मीट यू टुमारो, बाय बाय बाय। अब आपको देखना है अगला दिन दिल्ली में वापसी वक्त, लास्ट डे ऑफ दिल्ली कैसा बीता हमारा, ऑब्वियसली आप देख सकते हो गुरुद्वारा विजिट किए थे एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ, सब कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दो अगर मे बी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर आपको चाहिए है, एंड होटल का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।